हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा आई एम शिवानी चौहान इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ साइंस की बुक का चैप्टर एट मोशन जो पेज 107 के इन के इंटेक्स क्वेश्चन है ग्राफ्स वगैरह वाले वो हम इसमें देखेंगे इससे पहले के इंटेक्स क्वेश्चन हमने सारे के सारे कवर कर लिए हैं और अब एक्सरसाइज़ के ही कुछ क्वेश्चन फिर बचेंगे तो पहला क्वेश्चन है वट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन अगर ऑब्जेक्ट का होता है तो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ कैसा बनता है तो देखो ये वाला जो है ये वाला ये है यूनिफॉर्म मोशन का ठीक है यूनिफॉर्म मोशन में ना स्ट्रेट लाइन में होते हैं ये है यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ ठीक है ये वाला ग्राफ जो मैंने बनाया हुआ है ऊपर यूनिफॉर्म मोशन का है वैन वैन द मोशन इज यूनिफॉर्म द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस है ये वाला जो है ये डिस्टेंस है और इधर वाला ये टाइम है और ऐसे स्ट्रेट लाइन इनकी बनती है ये ए है यहाँ पे तो uh, जब भी यूनिफॉर्म मोशन होता है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन में होता है वैन द मोशन इज़ नॉन यूनिफॉर्म द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज कर्व तो इस तरीके से देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है कर्व है और ये कैसा मोशन है ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म ठीक है नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये वाला है हुँ? ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारा कर्व में आता है जब यूनिफॉर्म होता है तो स्ट्रेट लाइन में आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और जब नॉन यूनिफॉर्म होता है तो कर्व में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू है वट कैन यू सी अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइमग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैलल टू टाइम एक्सेस तो आप मोशन ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में क्या कह सकते हैं क्या कहोगे जस, मतलब जिसका डिस्टेंस टाइमग्राफ स्ट्रेट लाइन है डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैलल टू टाइम एक्सिस मतलब इस तरीके से है ऐसे करके यहाँ पर डिस्टेंस है और यहाँ पर टाइम है और ऐसे इस तरीके से ग्राफ बन रहा है पैलल पैलल कौन सी लाइन्स होती हैं जो लाइन्स आपस में कभी कट कर नहीं करती हैं वो पहले लाइन होती हैं तो पहला लाइन ग्राफ जब बनता है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस टाइप का होता है तो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इट एट एवरी इंस्टेंट ऑफ द टाइम इज सेम देर फो द ऑब्जेक्ट मस्ट बी एट रेस्ट तो ऑब्जेक्ट जब भी इस तरीके का डिस्टेंस टाइम ग्राफ बने ना तो आप समझ जाना कि जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट मतलब ऑब्जेक्ट चल ही नहीं रहा है रुका हुआ है उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है तो so अगर आपसे बोला जाए कि ऑब्जेक्ट uh, रेस्ट में है ठीक है आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है तो इस तरीके से आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना दोगे वाई एक्सेस पे डिस्टेंस एक्स एक्सेस पे टाइम और ऐसे करके ये लाइन आप बना दोगे ठीक है स्ट्रेट लाइन आपकी बन जाएगी तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो ऐसा ग्राफ बनता है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन यू सी अबाउट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सेस अभी देखो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ था अगर स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन में होता है तो क्या होता है मतलब ऐसे करके पैलल होता है तो व्हेन स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज स्ट्रेट लाइन पेलल टू द टाइम एक्सिस देखो इस टाइम के एक्सिस के पैलल है ना स्पीड ऑफ द बॉडी एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज सेम इस तरीके का जो ग्राफ होता है जहाँ पर विलोसिटी यहाँ पर होती है वाई एक्सिस पे और टाइम एक्स एक्सिस पे होता है और ऐसे करके स्ट्रेट लाइन ऐसे जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन जा रही होती है तो इट मीन्स द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड देयर इज़ नो एक्सेलरेशन एट ऑल बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रही है और कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है ठीक है बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड ठीक है बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में है बिल्कुल मतलब स्पीड बदल नहीं रही है टाइम के साथ मतलब जैसे कि अगर ये 15 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चल रहा है ना तो पूरे रास्ते ये इसी स्पीड से चल रहा है और जब पूरे रस्ते सेम ही स्पीड से चलेगा ना तभी जो है स्पीड यूनिफॉर्म हो सकती है ठीक है तो इस तरीके का अगर ग्राफ हमारा बन रहा है तो इसका मतलब है स्पीड जो है वो कैसी है स्पीड यहाँ पर इस केस में यूनिफॉर्म स्पीड हमारी बन करके आती है तो ये यूनिफॉर्म स्पीड वाला ग्राफ हो गया नेक्स्ट है व्हेन व्हेन इज द क्वांटिटी विच इज मेजर बाय एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द टाइम ग्राफ तो वट इज़ द क्वान्टिटी विच इज मेजर बाय मेजर बाय द एरिया मतलब ग्राफ हमें गिवन है तो इसकी क्वान्टिटी क्या होगी तो देखो एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज़ अ मेजर ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी तो ये वाला जो एरिया है जो शेडेड है देखो ये पूरा का पूरा ये जो शेडेड एरिया है ये हमें क्या बताता है जो शेडेड एरिया है ये हमें बताता है कि बॉडी ने कितना या तो डिस मतलब जो भी चीज है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है या फिर उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है तो विलासिटी इधर इस वाले पे इस वाले पे क्या है देखो ये विलासिटी है ठीक है ये यहाँ पर वेलोसिटी है और इधर है हमारा टाइम ओके okay? तो हमारी वाई एक्सिस ये वाली वाई एक्सिस है वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है और ये इधर एक्स एक्सिस है एक्स एक्सिस पे टाइम है वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है एक्स एक्सिस पे टाइम है और ये वाला जो पूरा का पूरा ये है ना ये क्या है ये है हमारा डिस्टेंस कवर्ड ये हमारा डिस्टेंस कवर्ड है हुँ? तो हमारा जो इस तरीके से शेडेड पोर्शन हमें दिखा रखा है ये हमें बताया गया है कि जो ऑब्जेक्ट है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है इतने टाइम में तो ये चार क्वेश्चन थे इस पेज पर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे इससे पहले के भी हम लोग सारे के सारे इंटेक्ट क्वेश्चन चैप्टर के कवर कर चुके हैं आपने नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिएगा और अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए थैंक यू